अबे लल्लू देख सागर साहब के साथ मेम साहब भी हैं। अरे आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? शिमला में ऐसी अच्छी पान की दुकान और कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छा पान लगाता है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ एक पान खा लेती हूँ। आप पान खाएंगे? नहीं नहीं हम तो पान खाते ही नहीं। अबे पान कोई खाने की चीज है, उससे दांत खराब हो जाते हैं। बैठ। अच्छा बैठिए, हम लोग पान खा कर आते हैं। चलो गर्ल्स कमान, चलो पान तो खा लो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते मैडम। आवा आवा पान लगा दीजिए फटाफट। मैं मीठा वाला भी मेरे लिए, मेरा भी बढ़िया पान बनेगा। अरे 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 भाई, अरे सबको लगा दे, काहे को चिल्ला रहे हो? अरे लल्लू फटाफट देखा भैया, दिखा हाथ। ये पनवाड़ी पोला खोल दे। ये रहा आपका पान और ये रहा सागर साहब का। सागर साहब, आप सागर साहब को जानते हैं? ये लो, सागर साहब को कौन नहीं जानता मैडम। सागर साहब तो बहुत बड़े गवैया हैं और हर साल यहाँ आते हैं, और तो और मेम साहब हमारे दुकान से पान खाते हैं और जाने से पहले अपना नया कैसेट हम ही को देकर जाते हैं। गर्ल्स, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। गर्ल्स तू कहे तो भरे बाजार में इसकी खातिर कर दे। नहीं, इससे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कमान। ये लीजिए आपका पान। हम तो पान खाते ही नहीं ना। प्लीज, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। अब आप प्यार से लाई है फिर तो। वैसे पान खाना बहुत बुरी बात है। उतरिए जनाब। यही वो ऐतिहासिक इमारत है जहाँ शिमला में नए आने वालों को खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतजाम मुफ्त। वेरी गुड। अरे ये तो पुलिस स्टेशन है। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, पान वाले ने सब कुछ बता दिया हम लोग को। अच्छा, जब बता ही दिया तो फिर टाटा। ए, जाता कहाँ है? क्यों बादशाह सोनी कुड़िया नाल कबड्डी खेल रहे हो? वो भी कंडेरी लाल ने थाने दे पीछे। हवलदार साहब, ये बदमाश पता नहीं क्या क्या। समझ गया मोतिया वाली सरकार, तुसी इनू करेक्ट जगह ते लेके आए हो। ओए रांझे दे पुत्रा, इस इलाके में जब कोई बदमाश किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे गंडेरी लाल के मौला बख्श की याद जरूर आती है। हवलदार साहब, ये बेचारे तो शिमला पहली बार आए हैं। कोई गली मिलाई दे ढूंढे हो, ऐसा मौला बख्श इन पुराना कर दो। गंडेरी जी, अब आप मेरी बात भी सुनिए। पुत्रा, तेरी सुनने के लिए तो सारी रात पड़ी है। कुड़ियों तुसी जाओ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म और साढ़े मौला बख्श की शुरू। यानी यानी के बाय बाय डार्लिंग। ओए बाबू, तुम अखना दे पीड़े को देख रहे हैं, हुन तू साढ़े मौला बख्श नु देख और चल अंदर। क्या हो रहा है ये? सागर साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने तो कह दिया था आपके प्रोग्राम का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। वो ऐसे ही सोचा था कि थाने आ जाऊं, देख लूंगी लास्ट टाइम की तरह कोई गड़बड़ ना हो जाए। ओ सर, ये तो तुम चुप रहो। सर, इस पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हां थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट है। हां कहिए। मेरी फैमिली के लिए 4-5 पास चाहिए थे। हां मिल जाएंगे। सर ये तो। अरे चुप रहो, तुमको अगर देखना है तो जाकर टिकट खरीद कर देखो। सर चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए प्लीज। सर क्या? सर सलाम कर कंडेरी का पुत्र।